हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 21 मैनेजर करियर मोड में। यह है मुनशंग लैगबैक का मैनेजर करियर मोड। मुनशंग लैगबैक का थर्ड सीजन का बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट सेकेंड मैच है बुंडेसलीगा का। देखते हैं इस मैच में क्या कर पाएगी मुनशंग लैगबैक बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैच चालू हो चुका है बायर्न म्यूनिख अगेंस्ट मुनशंग लैगबैक। देखते क्या होता है इस मैच में। ओह कमाल की पासिंग। ओह ये क्या, नहीं, ओ तेरी कमाल का मौका, कमाल की पासिंग, कमाल का ओ ऑलराउंड परफॉर्मेंस। डैनियल वैन डे बीक का गोल आ चुका है। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गोल डैनियल वैन डे बीक का। कमाल का पास था मुर्कियस थोरम के लिए, शूट लगाया, रिबाउंड मिला डैनियल वैन डे बीक को और कमाल का गोल ये। हो फ्लाइंग किक की तरह। हाँ फ्लाइंग किक की तरह काफ़ी बेहतरीन। आठवा बुंडेसलीगा गोल डैनियल वैन डे बीक। डैनियल वैन डे बीक का पास बर्गवाइन के लिए। ओ कमाल का मौका बन सकता है। बर्गवाइन का शूट। ओ क्या कमाल का मौका था, कमाल का शूट, बहुत ही बेहतरीन शूट बर्गवाइन की ओर से। ओ कमाल का पास डैनियल वैन डे बीक का, बर्गवाइन का काफ़ी अच्छा ड्रिबल और शूट आया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई नहीं रोक पाया। टीविन बर्गवाइन, बर्गवाइन का फोर्थ गोल बुंडेसलीगा में। नेल्सन, ओ कमाल का पास। ओ देखते क्या होता है। ओ तेरी ये क्या कमाल का गोल। ओ मुर्कियस थोरम का बहुत ही कमाल का गोल, शुरुआती मिनटों में ही धुआन जखारिया और मुर्कियस थोरम की काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप और बेहतरीन गोल। मैनुअल नोयर कुछ नहीं कर पाए। 24वां बुंडेसलीगा गोल मुर्कियस थोरम, शुरुआती मिनटों में लगातार गोल आए हैं मुनशंग लैगबैक की ओर से। देखते हैं आगे होने वाले मैच में क्या होता है। अब कॉर्नर के जरिए मौका है जोशुआ किमिच के पास। देखते इस कॉर्नर के जरिए क्या होता है। ओह नहीं, छूट आया पर सीधा थोरम पे पास गया, इसलिए बच गए फिर एक बार। फर्स्ट हाफ में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया मुनशंग लैगबैक ने। देखते सेकेंड हाफ में क्या कर पाती है मुनशंग लैगबैक और बायर्न म्यूनिख। डैनियल वैन डे बीक, ओ डैनियल वैन डे बीक, ओ देखिए हडसन ओडोई का शूट, डैनियल वैन डे बीक का असिस्ट, कमाल की फिनिशिंग। ओहो काफ़ी अच्छा पास भी था डैनियल वैन डे बीक का। देखते किस तरह से आए ये गोल। ओहो डैनियल वैन डे बीक को पास किया बर्गवाइन ने, बर्गवाइन का काफ़ी अच्छा पास था डैनियल वैन डे बीक ने, हसन ओडोई को पास किया और हसन ओडोई का बेहतरीन गोल, बहुत ही बेहतरीन गोल। मैनुअल नोयर के पास कोई मौका नहीं। सातवां बुंडेसलीगा गोल कैलम हसन ओडोई। फुल टाइम होने के बाद मुनशंग लैगबैक 4 बायर्न म्यूनिख 0। ये क्या बहुत ही बेहतरीन रन रहा ये। यह जीत चुकी है बुंडेसलीगा चैंपियनशिप मुनशंग लैगबैक, काफ़ी बेहतरीन रन। अब मैच आ चुका है वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट डीएफबी पोकाल सेमीफाइनल। डीएफबी पोकाल का कुछ खास मतलब रहा नहीं, देखते हैं फिर भी हम एक मैच फिक्सिंग करेंगे मेन लाइनअप के साथ। देखते जीत पाती है यानी मुनशंग लैगबैक डीएफबी पोकाल सेमीफाइनल। 2-1 से ये मैच जीता है मुनशंग लैगबैक ने। हसन ओडोई का एक गोल, वैन डे बीक का एक गोल, फ्रैंक फोरब का उनकी ओर से गोल है यानी वुल्फ्सबर्ग की ओर से। गेम फिर भी ये मैच काफ़ी अच्छा रहा मुनशंग लैगबैक के लिए। देखते आगे होने वाले मैच में क्या कर पाएगी मुनशंग लैगबैक। अब मैच है एफसी शालेक 04 के अगेंस्ट। ये टीम है 14वें पोजीशन पे। इस टीम के अगेंस्ट क्विकसिम करेंगे मैच दोस्तों सेकेंडरी लाइनअप के साथ। देखते क्या होता है इस मैच में। ये मैच जीता है मुनशंग लैगबैक ने 2-1 से नेल्सन के डबल गोल की मदद से और उनकी ओर से आया लेगरूडा की का गोल आया। अगर प्लेयर का नाम गलत ले रहा हो तो माफ़ कर देना। अब मैच आ चुका है मुनशंग लैगबैक अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। जो ग्रुप स्टेज की टीम है मुनशंग लैगबैक की, वो उसी टीम की अगेंस्ट मुनशंग लैगबैक का मैच आ चुका है। दोनों टीमें अपनी मेन लाइनअप के साथ खेलेगी। देखते क्या होता है इस मैच में। मैच चालू हो चुका है मुनशंग लैगबैक की होम ग्राउंड पे। देखते क्या होता है इस मैच में। नेल्सन का पास थोरम के लिए। देखते थोरम क्या कर पाते। थोरम, मुर्कियस थोरम का शूट, जानो ब्लैक का सेव। शुरुआती मिनटों में ही बढ़त बनाने की कोशिश में थी मुनशंग लैगबैक। कॉर्नर के जरिए मौका है नूनो मिंड बर्गवाइन का कॉर्नर। कॉर्नर कामयाब नहीं हुआ पर एरिक वन म्यूजा का
देखते क्या कर पाते हैं। एरिक वन मिज़ा का क्रॉस, ओ ये क्या एरिक वन मिज़ा का के क्रॉस के ऊपर मुर्कियास थोरम का गोल आ चुका है। काउंटर रन फेल करने के बाद क्रॉस किया एरिक वन मिज़ा का ने और कमाल का गोल मुर्कियास थोरम का एक बार फिर साबित किया कि चाइडर मास्टर मुंशन लगबैक को नहीं मिला 16वां यूसीएल गोल। वो साउल के लिए काफ़ी अच्छा पास, एरिक वन मिज़ा का कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बेहतरीन मौका यहाँ कोरोना ओ शूट किया, ओहो डबल शूट सेव कर लिया सोमर ने किसी तरह से। वो देखते क्या होता है, ओ कमाल का पास रोमेलो लुकाकू ओह काफ़ी अच्छा टैकल। अब काउंटर पे है, ओ बेहतरीन काउंटर रन बन सकता है या बागवाइन के पास मौका बन रहा है। बागवाइन का क्रॉस, ओ कमाल का सेव, बहुत ही बेहतरीन सेव जानो ब्लैक का, ओ बहुत ही बेहतरीन क्रॉस था उतना ही अच्छा हेडर पर जानो ब्लैक काफ़ी बेहतरीन सेव। वो देखते क्या होता है, रोमेलु लुकाकू की जगह लुइस सुआरेस आ चुके हैं दोस्तों फर्स्ट हाफ का एंडिंग मोमेंट से। देखते क्या कर पाती है एटलेटिको मैड्रिड, वो एटलेटिको मैड्रिड के पास रन मारने का मौका है, ब्लॉक किया है काउंटर रन पे जाने की कोशिश थी पर फर्स्ट हाफ एंड हुआ। फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों टीमों ने और मुंशन ग्लैडबैक ने एक गोल मारा रोमेलु लुकाकू इंजर्ड होने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिए गए। देखते अब इस हाफ में क्या होता है, उनकी जगह लुइस सुआरेस आए हैं कॉर्नर के जरिए, क्या कर पाते हैं नूनो मेंडिस ले लेंगे कॉर्नर, ओ कमाल का मौका, ओ ऑन गोल हुआ ये तो, ओ क्या हुआ समझ में नहीं आया पर ऑन गोल हो गया है एटलेटिको मैड्रिड की ओर से। ओ ये बहुत ही बड़ा उलट फेर, ओहो क्या हुआ ये, जैनो ब्लैक और जो भी प्लेयर है उनके बीच में गहमा गहमी या कहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और काफ़ी ज़्यादा बुरा नतीजा हुआ। लुई फेर्गिस ऑन गोल कर चुके हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर है दोस्तों ये, जाओ फिलिक्स के पास मौका है, देखते क्या कर पाते, जाओ फिलिक्स आगे निकल चुके हैं, जाओ फिलिक्स हर मौसम नहीं रोक पाए, ओ क्या कमाल का पास परवीन, देखते क्या होता है टैकल करने की कोशिश सेव कर लिया सोमर ने किस तरह से। फैब्रिस लास्ट मोमेंट है, हेसुस कोरोना लुइस सुआरेस, ओ कमाल का मौका बना मार्कस लोरेंटे लुइस सुआरेस, ओ देखते क्या होता है बेहतरीन पासिंग टेक्निक्स नहीं, ये कौन से प्लेयर है मालूम नहीं फ्रेंड्स, ओ शूट किया है फ्रेंड्स ने, जो भी ये प्लेयर है नंबर 77 शायद 22 है या 77 मालूम नहीं पर कमाल का गोल बहुत ही बेहतरीन गोल इमोलियन बेनल्ड काफ़ी अच्छा मौका, ये एस्टन विला के प्लेयर है दोस्तों इमोलियन बेनल्ड 2-1 से ये मैच जीता है, काफ़ी अफरा तफरी वाला मैच रहा एटलेटिको मैड्रिड अगेंस्ट मुंशन ग्लैडबैक का, मुंशन ग्लैडबैक 2 एटलेटिको मैड्रिड 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, वीडियो में भी गलतियों को माफ़ कर देना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।